हाय फ्रेंड्स, मिली किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे। छोले भटूरे ज़्यादातर बच्चों को पसंद आते हैं और इस समय बच्चे घर पे हैं, इसलिए बच्चों की डिमांड पूरी करनी ज़रूरी है। इसलिए चलिए मैं बनाए बताती हूँ आपको सामग्री क्या क्या लिया है हमने। देखिए, मैंने ये गरम चाट मसाला लिया है, लाल मिर्च पाउडर है, टमाटर है, छोले हैं, आलू लिया है हमने, दो बॉईल करके रखा है, छोले भी बॉईल करके रखे, रात भर भिगोए थे हमने, उसके बाद हमने इसको बॉईल कर लिया, जो आलू को भी बॉईल कर लिया है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच है, और ये प्याज है जो बड़ा, एक प्याज काटा है, 4 मिर्ची है, और ये 2 टमाटर काट रखा है हमने, आधा आधा चम्मच दोनों ले रखा है। और ये देखिए, हमने मैदे का आटा गूंथने के लिए ये सूजी लिया है, मैदा लिया है, कॉर्नफ्लोर है, सॉरी बेकिंग पाउडर है, और ये दही लिया है हमने। ये चारों का हम आटा गूंथेंगे। और अब मैं आपको मसाला बताती हूँ। ये देखिए, ये नमक है, और ये गरम, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी है, और वो गरम मसाला है। चलिए मैं आपको बताती हूँ बनाना। करीब करीब 1.5 से 2 चम्मच तेल डालेंगे हम। सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो कोई और तेल भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसके अंदर जीरा डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे इसके अंदर। आप चाहें तो जितना आप लोग खाते हैं, हम लोग आधा चम्मच ही जीरा डालते हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर हींग डालेंगे, अब हम इसके अंदर हींग डालेंगे, 1/4 टीस्पून डालेंगे। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। प्याज डाल के इसको थोड़ा सॉटे कर लेंगे। ये इसका कच्चापन चला जाए उसके बाद हम बाकी सामग्री भी डालेंगे। हमारा प्याज भून गया है, अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जो हमने 1 चम्मच लिया है। इसको थोड़ा सॉटे कर लेंगे। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, 2 बड़े टमाटर हमने बारीक काट के रखे हैं, इसको डाल के थोड़ा हिला लेंगे। थोड़ा टमाटर भून जाए उसके बाद हम इसके अंदर बाकी मसाले मिलाएंगे। देखिए, हमारा टमाटर थोड़ा गल गया है। अब इसके अंदर हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, करीब करीब 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और ये आधा चम्मच गरम मसाला और नमक। नमक हमारा 1 चम्मच है, लेकिन आप छोटे चम्मच से, 1 चम्मच है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अब हम उसको मिला लेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मेरे पास चाट मसाला नहीं है, लेकिन बिना चाट मसाला के भी बहुत अच्छा बन जाता है। इसके लिए आप इसके अंदर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए आधा चम्मच, और आधा चम्मच के करीब चाट मसाला डाल दीजिए, तो आपका छोले मसाले की जरूरत नहीं पड़ती है, काम हो जाता है आपका। लेकिन अगर आपके पास छोले मसाले हैं तो आप छोले मसाला डाल दीजिए। देखिए, हमारा टमाटर एकदम गल गया है, लेकिन अभी इसका पानी छोड़ दे, जब तक ये तेल नहीं छोड़ेगा तब तक हम पकाएंगे इसको। अगर आपका मसाला ड्राई हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1-2 चम्मच पानी डाला है। देखिए, हमारे मसाले भुन गए हैं, तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसके अंदर अपना छोला डाल देंगे,
देखिए ये छोले मैंने पहले से ही रात में भिगोए थे और बॉईल किया है, सुबह बॉईल करके फिर रखा था मैंने। तो इसको आपको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, एक सीटी आने तक आप इसको पका लेंगे, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें आलू मिला सकते हैं, और नहीं तो हम लोग तो आलू मिलाते हैं, तो इसलिए मैं आलू इसमें डालूंगी। दो आलू मैंने बॉईल करके रखा है, अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। जो मैंने बॉईल करके रखा था पानी, वही डाल रही हूँ पानी, क्योंकि उसमें सारे प्रोटीन होते हैं छोले के। अब हम इसे रखेंगे बॉईल होने के लिए, उससे पहले हम इसके अंदर आलू डालेंगे। देखिए मैंने दोनों आलू को मैश कर लिया है, ये देखिए। इसको बहुत बारीक नहीं करना है, मोटे मोटे टुकड़ों में ही इनको तोड़ लेना है। अब इसको हम मिला देंगे इसके अंदर। आलू मिला देने से ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाती है और बच्चों को ज़्यादा तीखा नहीं लगता है। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े जो होते हैं वो थोड़ा तीखा स्पाइसी खा लेते हैं, बच्चे स्पाइसी ज़्यादा नहीं खा पाते, इसलिए उनके लिए आलू डालना पड़ता है। इसमें और पानी डाल लीजिए थोड़ा, वही स्टॉक जो हमने बॉईल किया था छोले को और आलू को, वही वाला पानी मैंने डाला है इसमें। अगर आपका आप भी बॉईल करते हैं वही पानी डालिए। चलिए मैं इसको ढक के रख देती हूँ पकने के लिए। देखिए जब तक ये हमारी सीटी, दो सीटी लगानी है हमें, क्योंकि हमारा छोला बॉयल है। अगर आपका छोला बॉयल नहीं है तो उसको पहले बॉयल कर लीजिए, उसके बाद ही इसमें पकाइए। एक सीटी लगेगी, उसके बाद हमारा छोला रेडी हो जाएगा। जब तक हमारा छोला रेडी होता है तब तक हम भटूरे बनाते हैं। 100 ग्राम मैदा लिया है हमने, 400 ग्राम मैदा लिया है और 100 ग्राम करीब हमने इसमें सूजी लिया है। सौ ग्राम सूजी लिया है और 3 से 4 चम्मच दही लिया है। करीब करीब 5 चम्मच हमने उसमें दही डाला है, 5 से 6 चम्मच दही डाला है। आधा चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, सॉरी बेकिंग पाउडर लिया है। हमने इसके अंदर 400 ग्राम मैदा और 100 ग्राम सूजी और ये करीब करीब 50 ग्राम दही डाली है और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। सबको डाल दिया है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। दही हमेशा इसके अंदर डालने के लिए थोड़ी खट्टी होनी चाहिए, मीठी दही रहेगी तो ये फूलेगा नहीं, हल्की खट्टी दही होनी चाहिए। चलिए मैं इसको गूंथ लेती हूँ। देखिए मैदा हमारा गूंथ गया है, अभी हम इसे और गूंथेंगे। इसे खूब अच्छे से गूंथना होता है, अच्छे से गूंथेंगे तो ही ये अच्छा फूलेगा। मैं सरसों का तेल इसके अंदर डाल रही हूँ गूंथने के लिए, आप चाहें तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। इसको खूब मसलना है, खूब मसलेंगे अभी ये जाके अच्छा फूलेगा। ये चिकना होने लगा है, अब हम इसे थोड़ा सा गूंथ के रख देंगे। देखिए ऐसा गूंथ गया है, अब हम इसे रात भर रख देंगे। उसके बाद रात भर जब ये फूल जाएगा तब हम वापस इसको गूंथेंगे और उसके बाद भटूरे बनाएंगे। ये फूल के डबल हो जाएगा सुबह तक। चलिए हम इसे रख देते हैं।
के मैंने इसमें रात भर रख दिया था। गर्मी का टाइम है तो जल्दी फूल जाता है। देखिए हमारा मैदा बहुत अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम थोड़ा सा बाइंड कर लेंगे, इसमें थोड़ा तेल लगा के इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। उसके बाद हम भटूरे बनाएंगे। 1 चम्मच के करीब इसमें हम तेल डालेंगे। अब इसको पूरा इसमें लगा देंगे और इसको देखिए कितना फूला हुआ है, देखिए कितना फूल गया है ये। और अब हम इसको थोड़ा गूंथ लेंगे, उसके बाद गोला बनाएंगे। देखिए कितना अच्छा हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे और इसको बनाने के लिए हमें ऐसे करके गोला निकालना है। क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा भी निशान नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छे से सॉफ्ट गोला निकालना है। एक गोला हम उठाएंगे और इस पे रखेंगे और रख के बेलेंगे। जितना बड़ा हम बेल सकते हैं उतना बड़ा हम इसको बेलेंगे। उठाने पे ये श्रिंक हो जाता है क्योंकि ये मैदा है। चलिए अब हम तेल रखते हैं कढ़ाई में। देखिए हमारे भटूरे कितने अच्छे फूले हैं। चलिए मैं और बनाती हूँ। देखिए हमारे भटूरे कितने अच्छे फूले हैं, एकदम बाजार जैसे दिख रहे हैं ना। चलिए मैं अब आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए हमारे छोले भटूरे रेडी हैं, हमने प्लेटिंग कर दी है। आपको हमारे छोले भटूरे कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे छोले भटूरे पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो डाल के दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।